Hello everyone, how are you all? I hope you all are pretty good. Guys, my name is Kehar Singh Chauhan. I'm an English trainer and a vlogger. दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए होने वाली है जो अंग्रेज़ी बोलना सीखना चाहते हैं और अपनी वोकैब को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, अपनी वोकैब को इंक्रीज करना चाहते हैं. But today, I'm going to tell you about a habit that can make you a good speaker. जी हाँ दोस्तों, आजकल हर कोई अंग्रेज़ी सीखना चाहता है और आप भी उनमें से एक हो सकते हैं. लेकिन आपको ये पता होगा, अगर आप अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास बेहतर वर्ड मीनिंग्स होने चाहिए. जी हाँ, इसके लिए आपकी वोकैबुलरी बेहतरीन होनी चाहिए. तो आपकी वोकैबुलरी बेहतरीन कैसे होगी, इसके लिए आपको एक हैबिट डालनी होगी और उस हैबिट का नाम है रीडिंग. जी हाँ दोस्तों, पढ़ने की आदत. अगर आप पढ़ने की आदत डाल लेते हैं तो आई एम प्रीटी श्योर बहुत जल्द आपके पास बहुत सारे शब्द होंगे जिन्हें आप कम्युनिकेशन के दौरान यूज़ कर सकते हैं, बोल सकते हैं, और आपकी जो कम्युनिकेशन होगी वो काफ़ी स्ट्रांग होगी, काफ़ी इम्प्रेसिव होगी. दोस्तों, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि हम क्या पढ़ें. जब हम पढ़ते हैं, हम कुछ मोटिवेशनल किताब पढ़ते हैं तो कुछ दिनों में हम बोर हो जाते हैं. अगर हम अखबार पढ़ते हैं तो भी हम कुछ दिनों में बोर होने लगते हैं. आर्टिकल्स, मैगजीन्स कुछ भी पढ़ते हैं तो हम बहुत जल्द ही बोर हो जाते हैं. तो दोस्तों इसके लिए मेरे पास एक सजेशन है कि जब भी आप पढ़ें, कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ें. और आपको पता है, नॉवेल्स पढ़ना बहुत बेहतर हो सकता है इस कंडीशन में आपके लिए. नॉवेल्स ऐसी चीज़ है जिसे आप पढ़ते हैं तो आप पूरा पढ़ लेते हैं. अगर आप शॉर्ट स्टोरीज पढ़ते हैं तो वो थोड़ी ही देर में ख़त्म हो जाती है. तो इसीलिए दोस्तों, अगर आप नॉवेल पढ़ने की आदत डालते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकती है. शुरू में आप फिक्शन नॉवेल्स पढ़ें. फिक्शन मीन्स काल्पनिक नॉवेल्स पढ़ें. और उसके बाद आप रियलिटी बेस्ड पढ़ सकते हैं. तो मेरे पास सजेशन है आज 6 ऐसी किताबों का जिन्हें आप पढ़ सकते हैं अगर आप रीडिंग की हैबिट डालना चाहते हैं तो. और एक बार आपको रीडिंग की हैबिट हो गई दोस्तों, तो आपके पास बहुत सारे वर्ड्स होंगे और आपको उन्हें सीखना भी नहीं पड़ेगा और रटना भी नहीं पड़ेगा. पढ़ते पढ़ते ही आपके पास बहुत सारे नए वर्ड्स होंगे जिन्हें आप कम्युनिकेशन के दौरान यूज़ कर पाएंगे. चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो गाइस, सबसे पहले मेरे पास जो नॉवेल है उस नॉवेल का नाम है You are my reason to smile. और द ऑथर ऑफ दिस बुक इज़ अर्पित वगेरिया. जी हाँ गाइस, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये नॉवेल है. अगर मैं थोड़ी सी समरी आपको बताऊँ इस किताब के बारे में तो आप जान जाएंगे किताब काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है. ये किताब है एक कैरेक्टर रणबीर के बारे में. रणबीर एक जॉब होल्डर है जो एक कंपनी में जॉब करता है और साथ में अपनी एक किताब, अपना एक नॉवेल भी वो लिख रहा है. रणबीर को लिखने का बहुत शौक है और इसलिए वो अपनी जॉब भी छोड़ना चाहता है. लेकिन उसके एक मित्र है अदा. अदा चाहती है कि वो जॉब करे और अचानक से उनकी ज़िंदगी में एक मोड़ आता है जब रणबीर की किताब पब्लिश होती है. उस किताब के पब्लिश होने के बाद रणबीर को लगता है कि अदा उसकी किताब में इंटरेस्टेड नहीं है और ना ही उसे कोई एक्साइटमेंट है उस किताब के बारे में जो अभी पब्लिश हुई है. उसके बाद दोनों के बीच में थोड़ी सी दूरियां हो जाती हैं और तब रणबीर की ज़िंदगी में एक नया कैरेक्टर पीहू शर्मा आती है और उसके बाद उसकी ज़िंदगी उथल पुथल हो जाती है. दोस्तों, देखने में आपको लग रहा होगा कि ये एक लव स्टोरी है. जी हाँ दोस्तों, ये कहानी देखने में आपको एक लव स्टोरी लग रही होगी, लेकिन जो इसमें सस्पेंस है वो आखिर तक आपको बांधे रखेगा. तो यू कैन गो फॉर रीडिंग दिस बुक. और इसमें जो शब्द है बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है और कुछ वर्ड्स हैं जो आपके काम के भी होंगे. आप जब ये किताब पढ़ेंगे तो आपको नए वर्ड्स मिलेंगे और आपको कहानी पढ़ने में काफ़ी मज़ा भी आएगा. चलते हैं नेक्स्ट किताब की तरफ. हमारी नेक्स्ट किताब है दिस इज़ नॉट योर स्टोरी. और इस किताब की राइटर हैं सवी शर्मा. जी हाँ, बहुत बेहतरीन ये राइटर हैं. इनकी ये किताब आधारित है 3 कैरेक्टर्स पे, शौर्य, मिराया और अनुभव. तीनों ही अपनी ज़िंदगी से डिसअपॉइंटेड है, लेकिन उन्हें एक दिन पता लगता है कि दिस इज़ नॉट देयर स्टोरी. जी हाँ दोस्तों, उन्हें पता लगता है कि ये उनकी कहानी नहीं है. उनकी कहानी उन्हें रीराइट करनी होगी, फिर से लिखनी होगी. बहुत ही मोटिवेशनल टाइप की ये किताब है. दिस इज़ नॉट अ लव स्टोरी, दिस इज़ काइंड ऑफ मोटिवेशनल बुक. लेकिन फिक्शन है तो बड़ा मज़ा आने वाला है. हल्की फुल्की छोटी मोटी लव स्टोरी है, साउथ मूवी जितनी. उसके बाद चलता है सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन. नेक्स्ट किताब की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों. हमारी नेक्स्ट किताब है जिसका नाम है द गर्ल हु न्यू टू मच. जी हाँ दोस्तों, इस किताब के ऑथर है विक्रांत खन्ना. ओके, दिस इज़ काइंड ऑफ सस्पेंस स्टोरी.
इस कहानी में एक कैरेक्टर है अक्षरा, जिसकी मॉम की डेथ हो जाती है किसी एक्सीडेंट में। उसके बाद वो लड़की निराश रहने लगती है और अपने घर के पास एक पार्क में जाके बैठी रहती है हमेशा एक बेंच पर। एक दिन उसकी मुलाकात एक अनजान व्यक्ति से होती है और वो इंसान उसे एक फेरी टेल सुनाना शुरू करता है। और कहानी सुनने के बाद अक्षरा को लगता है कि ये इंसान वो नहीं है जो ये एक्चुअली शो कर रहा है, ये कुछ और है। और यही सस्पेंस है कि वो इंसान कौन है और आखिर में कहानी में क्या होता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग ये कहानी है गाइज, यू शुड रीड इट, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, राइट? लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ते हैं। हमारी तीसरी किताब है जिसका नाम है आर स्टोरी नीड्स नो फिल्टर। आर स्टोरी नीड्स नो फिल्टर, दोस्तों ये नॉवल आधारित है कॉलेज पॉलिटिक्स पर और काफ़ी शानदार है, आपको बोर नहीं होने देगा ये। इसका जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है रघु। जी हाँ, राइटर का नाम है सुधीर नागरकर। बहुत ही शानदार ये नॉवल लिखा है इन्होंने, आप इसे भी पढ़ सकते हैं। और हमारा नेक्स्ट नॉवल है विल यू स्टिल लव मी। जी हाँ दोस्तों, ये नॉवल लिखा है रविंद्र सिंह ने, ये काफ़ी फेमस राइटर है। इनकी पहली किताब आई टू हैड अ लव स्टोरी बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी, काफ़ी पॉपुलर थी यूथ के बीच में। इस बुक में कहानी है राजवीर और लावण्या की। उनकी कहानी में आखिर में कुछ ऐसा होता है जिसे आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे और कहानी को आपको आखिर तक पढ़ना होगा ये जानने के लिए कि ऐसा क्या होता है उन दोनों की ज़िंदगी में जब राजवीर को कहना पड़ता है विल यू स्टिल लव मी। दिस इज फैंटास्टिक नॉवल, यू कैन गो फॉर दिस, बहुत अच्छा नॉवल है दोस्तों। नेक्स्ट इज एवरीबडी माइट हैव रेड द फेमस राइटर चेतन भगत। चेतन भगत के नॉवेल्स कौन नहीं जानता, आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग हिज नॉवेल्स। आपने मूवी देखी थ्री इडियट्स, काई पोचे, हेलो, सो मैनी मूवीज आर देयर जो इनकी नॉवेल्स पर बनती है। इनके नॉवेल्स पर आधारित कई सारी मूवीज बॉलीवुड में आ चुकी है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ चेतन भगत की किताबों में जो होती है वो ये होती है कि ये बहुत ही सिंपल भाषा में लिखी गई होती है, एक 8th क्लास का बच्चा भी आसानी से उनकी किताबों को पढ़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये कहानी है, इस बुक का नाम है द गर्ल इन रूम नंबर 105। दोस्तों कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसमें ये भी एक सस्पेंस थ्रिलर नॉवल है और आखिर तक आपको नहीं पता लगेगा कि एक्चुअली कहानी में हुआ क्या। हाँ दोस्तों, इस बुक में जो कहानी है वो है केशव की और एक लड़की जारा की, और इस कहानी को मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा, अदरवाइज आपका सस्पेंस बिल्कुल ख़राब हो सकता है। तो आई डोंट वॉन्ट टू स्पॉयल योर सस्पेंस, यू शुड गो फॉर रीडिंग दिस बुक गाइज। मैंने ये किताबें आपको रिकमेंड क्यों की, क्योंकि ये सारी किताबें काफ़ी इंटरेस्टिंग है एंड दे विल नॉट लेट यू गेट बोर्ड, आई प्रोमिस। सारी 6 की 6 किताबें चाहें तो आप एक महीने के अंदर पढ़ सकते हैं और काफ़ी ये शानदार किताबें हैं। जब आप इन किताबों को पूरा पढ़ेंगे तो आपके पास काफ़ी सारे नए वर्ड्स होंगे, नए फ्रेजेस होंगे जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। किताबें पढ़ने के दौरान आपको जो वर्ड्स मिलेंगे चाहें तो आप उन्हें अंडरलाइन कर लें और बाद में उन्हें नोट डाउन कर लें। एक्चुअली आपको वर्ड्स को नोट डाउन नहीं करना चाहिए, आपको पूरा सेंटेंस यानी कि पूरा फ्रेज नोट डाउन करना चाहिए ताकि आपको पता लग सके कि ये वर्ड किस तरीके से कहाँ पे यूज़ हुआ था और इसका मीनिंग क्या है। दोस्तों अगर आपने इनमें से एक भी किताब पहले पढ़ी तो कॉमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताएं कौन सी किताब आपने पढ़ी है और वो किताब आपको कैसी लगी, और अगर आप पढ़ने वाले हैं तो कौन सी किताब आप पढ़ने वाले हैं, और पढ़ने के बाद भी आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता सकते हैं कि कौन सी किताब आपने पढ़ी और क्या उन्हें मेरा सजेशन पसंद आया या नहीं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस टाइम गाइज, बाय बाय।